इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छी बात है और हमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए जिससे कि आगे के लिए कुछ पैसा बचा सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आई मोबाइल पे एप्लीकेशन से अपने ICICI बैंक से कैसे कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम करते हैं लॉगिन ICICI बैंक का जो एप्लीकेशन है उसमें अपना 4 डिजिट का पिन डाल के उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योर पे क्लिक करने के बाद नीचे म्यूचुअल फंड्स लिखा है उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे इसको। अब इसको आगे की तरफ जो भी डिटेल्स है वो दिखा रहा है। आप करेंगे गेट स्टार्टेड विद मनी कोच। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आपके यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको और इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट मोर पे क्लिक करके आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आप मंथली सिप या जिस टाइप की चुनना चाहो वो आप यहाँ पे चुन सकते हो और महीने के महीने अपना जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहो वो यहाँ से कर सकते हो। अब इसके बाद दूसरा फैक्टर आता है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पहले से ही तो हम उसको निकालेंगे कैसे। तो अब इसके लिए क्या करना है, हमको बैक जाना है, फिर दोबारा से म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से फिर दोबारा से वही प्रोसीजर वही कंटिन्यू करेंगे। इसको आगे की तरफ करेंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है आपको वो शो करेगा। अब देखिए जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से डिटेल दिखाएगा आपने कितना जमा किया था, कितना इंटरेस्ट हो गया इस पर। अब इसको मैं कर देता हूँ स्किप और यहाँ पे डिटेल्स भी देख लेता हूँ कि 4.54 रुपये मेरे को यहाँ पे ब्याज मिला है। अब मैं करूँगा सबसे नीचे जो ट्रांजैक्ट लिखा है उस पर क्लिक। उसके बाद अगर आपको और ख़रीदना है तो यहाँ से बाई पे कर सकते हो, सेल पे करना है तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हो। ट्रांसफ़र पे क्लिक करके आप एक प्लान से दूसरे टाइप के प्लान में, मतलब लो रिस्क से हाई में, हाई से लो रिस्क में, जिसमें जाना चाहो वहाँ पे यहाँ से अपने जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब मैं करूँगा सेल पे। वन टाइम विड्रॉ है और सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान है। वन टाइम में क्या है, आपका जो भी एक बार में निकल आएगा, सिस्टमेटिक में आप धीरे धीरे निकाल सकते हो। मैं वन टाइम करके अपना जो फोलियो नंबर है उसको क्लिक करके सेल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। आप इसमें फिर दोबारा से डिटेल्स देख सकते हो। अब जो है उसको मैं टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड टू कंफर्म पे क्लिक करूँगा और अपना जो म्यूचुअल फंड है उसको सेल कर दूंगा। जो पैसे हैं वो अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएंगे। देखिए इसमें कट ऑफ टाइम दिखा रहा है कि अगर हाइब्रिड है तो 1:45 पे रात में होगा आपका जो पैसा आएगा बैंक में। उसके बाद लिक्विड ओवरनाइट 11:25 AM पे आ जाएगा। उसके बाद जो अलग टाइप के हैं वो अलग अलग टाइप से यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है, वो आप देख सकते हो। मतलब अगर अभी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो रात में 12:00-1:00 तक आ जाएगा। आगे के लिए प्रोसेस किया ये कुछ इस तरह से आया। अब यहाँ पे करेंगे हम कन्फर्म पे दोबारा से क्लिक। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे फिर दोबारा से कन्फर्म करने के लिए। अब इसको आगे के लिए कन्फर्म करते हैं और ये होगा प्रोसीड। देखिए यहाँ पे फिर दोबारा से प्रोसीड हो चुका है और मेरी जो यूनिट्स हैं वो सेल हो चुकी हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है कि रिडीम हो चुकी हैं, फोलियो नंबर भी दिखा रहा है और रिडीम्ड बाई मतलब किस तरह से रिडीम किया है, आपने ट्रांसफ़र किया है, अमाउंट लिया है, जो भी है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपनी जो म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स खरीदी हैं NAV नेट असेट्स वैल्यू उनको खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे।